अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की जो मैंने लुक क्रिएट की है आपके सामने, आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने बहुत सॉफ्ट लुक क्रिएट की है, सॉफ्ट ग्लैम में, जो ग्लैमरस भी हो और सॉफ्ट भी हो। तो आप इसको डे और नाइट में कैसे भी कैरी कर सकते हैं, लाइट कलर्स के साथ भी और डार्क कलर्स के साथ भी। तो ये जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो मैंने हाफ ग्लैमर के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, जो कि मेरे फेवरेट होते जा रहे हैं, और इसके बाद जो हाफ यूज़ किए हैं वो मिस रोज़ के यूज़ किए हैं। तो आप वीडियो में देख लीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं ग्लैम गर्ल का मेकअप फिक्सर स्प्रे जो है वो कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा स्प्रे था, मुझे फर्स्ट टाइम यूज़ करके पता चल गया, बिल्कुल पोर्स को मिनिमाइज़ कर देता है, प्राइमर के तौर पे भी काम करता है। सेकंड मैं ग्लैम गर्ल की ब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ की, इसका भी मुझे रिव्यू करना था। बहुत अच्छी और बहुत ही मज़े की पैलेट थी, और बहुत अच्छी तरह से इसने ब्रो को डिफ़ाइन किया, और काफ़ी देर तक जो है वो ब्रो आईब्रोज जो थे वो बिल्कुल सेम वही कलर में रहे, कलर भी इसका डिफ्यूज़ नहीं हुआ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट यूज़ करके, और अपनी मर्ज़ी से आप ब्राउन ब्लैक को मिक्स करके कोई शेड बना के अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो लाइट डार्क अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मैंने अपने आईब्रो को डिफ़ाइन किया। उसके बाद मैं मिस रोज़ का कंसीलर लेके अपनी आईब्रो की शेप को डिफ़ाइन करूँगी, और पूरी आईलिड को मैं कंसील करूँगी। कंसील करने से ये होता है कि आपके जो आई शेडो के कलर्स होते हैं ना वो बिल्कुल प्रोमिनेंट होकर नज़र आते हैं सामने। इस तरह से अगर आप इसको यूज़ नहीं करते और कलर्स लगाते हैं तो वो कलर उठ के नहीं आते। तो जैसे अब ये इतने लाइट शेड में यूज़ कर रही हूँ, मिस रोज़ की ये मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें सभी कलर्स इतने लाइट थे। अगर मैं कंसीलर का यूज़ नहीं करती तो बिल्कुल हाली आँख के ऊपर इसका शेड कभी भी यूँ नज़र नहीं आता। तो इसलिए कंसीलर को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैं पिंक कलर को लेके अपने ट्रांजिशन शेड में यूज़ कर रही हूँ। आप इस अगर आप ये पैलेट यूज़ कर रहे हैं तो इसमें तो इतने लाइट कलर्स हैं, आप कोई भी लाइट कलर लेके उसके बाद उससे थोड़ा सा डार्क लेके दोनों को अच्छी तरह से ब्लेंड करके अपनी आई को डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसी पैलेट में से जो कंसीलर दिया हुआ था, कंसीलर का शेड यानी वाइट कलर, तो वो मैंने अपनी आईलिड पर लगाया। मैंने कंसीलर के साथ उसको कट नहीं किया, मैंने वाइट कलर के साथ उसको कट किया। उसके बाद इसका वाइट कलर के ऊपर मैंने ग्लिटर यूज़ किया है। आप मैंने पिंक ग्लिटर यूज़ किया था, आप कोई भी ग्लिटर यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपका ऊपर कलर होगा आईज पे आपने शेड्स लगाए होंगे वैसा उसके अकॉर्डिंग आप ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हैं। और ग्लिटर भी मैंने विदाउट ग्लिटर ग्लू यूज़ किया क्योंकि वो प्रेस ग्लिटर थे। उसके बाद मैं ग्लिटर के ऊपर ये लिक्विड लाइनर लगा रही हूँ, और आज मैंने लाइनर बहुत थिन लगाया था इसलिए मैंने इसी लाइनर को यूज़ किया है और कोई लाइनर यूज़ नहीं किया। थिन लाइनर जिन लोगों को पसंद है उनके लिए ये लाइनर बहुत अच्छा है क्योंकि इसकी टिप बहुत बारीक है और इससे बहुत पतला लाइनर लगता है। तो जो लोग थिन लाइनर पसंद करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा लाइनर है, और मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन यार अपनी अपनी चॉइस होती है। उसके बाद मैंने लैशेस लगाई हैं, और उसके बाद जो ये ब्रो पैलेट में वाइट कलर था उसको मैं अपने एज अ काजल यूज़ कर रही हूँ वाइट, तो आप देख रहे हैं। उसके बाद मैंने पिंक कलर लेके अपने लैशेस के नीचे जो है वो अप्लाई किया है। उसके बाद मैं ग्लैम गर्ल की नाइट पैलेट लेके नाइट ग्लैम, तो उसमें से अपने कंसीलर लगा रही हूँ अपने डार्क सर्कल कवर करने के लिए। उसके बाद मैं उसको अच्छी तरह से सेट करूँगी ताकि सारे डार्क सर्कल्स जो हैं वो छुप जाएं। कोई आपके चेहरे पे निशान है, कोई लाइंस हैं, छाइयां हैं, कुछ भी, तो उसको आप कंसीलर की मदद से छुपा सकते हैं। और आप डार्क कलर का कंसीलर यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद कंसीलर यूज़ करने के बाद मैं इसको बेस, जो इसमें बेस का कलर दिया हुआ है वो यूज़ कर रही हूँ, वो लगा रही हूँ। सारे फेस पे इसको अच्छी तरह से ब्रश के साथ फैलाने के बाद मैं इसको ब्रश के साथ ब्लेंड कर लूँगी। इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद
जब मैंने देखा मेरी तसल्ली नहीं हुई तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लेके उसके साथ भी इसको ब्लेंड कर लिया। आप जितनी ब्लेंडिंग करेंगे आपकी बेस उतनी अच्छी सेट होगी और वो उतनी ही ज़्यादा ग्लो करेगी बाद में, थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद वो और ज़्यादा अच्छी होती जाएगी हाइड्रेट होके। उसके बाद मैं ग्लैम गर्ल का ही फिक्सिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल वाइट शेड में था, कोई कलर नहीं था इसका, और ये बहुत अच्छा मुझे लगा है और इसने मेकअप बिल्कुल यूँ सेट कर दिया और कोई फाइन लाइंस कुछ नहीं छोड़ा, बहुत अच्छा इसके साथ फेस पे इसको सेट किया इस पाउडर ने। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने जो एक्स्ट्रा पाउडर था वो अपने ब्रश के साथ उसको मैंने साफ़ कर दिया फेस से। फिर मैं ग्लैम गर्ल की पैलेट से कंटोर कर रही हूँ अपने पूरे फेस का, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये क्रीम कंटोर है तो इसके साथ ज़रा इजीली कंटोर हो जाता है और ये ब्लेंड भी बहुत अच्छा हो जाता है, कितनी मेहनत नहीं इसके साथ करनी पड़ती। तो अब मैं इसको मैं अपनी फिंगर के साथ ही मैंने इसको ब्लेंड किया और बाद में ब्यूटी ब्लेंडर से इसको सेट कर लिया जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद मैंने इसी में से ए पिंक कलर लेके उसी के साथ ब्लश लगाया, उनको भी मैंने अपनी फिंगर्स के साथ ही ब्लेंड किया और जहाँ से मुझे लग रहा था ज़रा डार्क है तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसको सेट कर लिया। उसके बाद मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, इसी पैलेट में हाइलाइटर भी है क्रीमी हाइलाइटर, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। एक बहुत सबटल से उसकी एक आती है ग्लो, बहुत एक्स्ट्रा नहीं होती, मतलब नॉर्मल सी और बहुत प्यारी सी एक ग्लो देता है ये क्रीमी जो हाइलाइटर है इनका। उसके बाद मैं मिस रोज़ की लिप पेंसिल और जो लिपस्टिक थी वो यूज़ कर रही हूँ, ऑर्चिड शेड था लिपस्टिक का, तो बहुत अच्छा न्यूड शेड है ये भी। मैं न्यूड और ग्लैम का मिक्स कर रही थी इसलिए मैंने ये सारे प्रोडक्ट यूज़ किए। आपको को लुक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।